हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनिल मालवी, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव, और एक्टिव पैसिव के अंदर आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो एक्टिव पैसिव, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, और सक्रिय वाक्य यानी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपको जो टेंस पढ़ाया गया था उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का प्रयोग किया गया, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। और पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय वाक्य। तो इसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद बिन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस देखिए, पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है, आई हैव रिटन अ स्टोरी, मैंने एक स्टोरी लिख दी है। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, रिटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है। जैसे इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले अ स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय मी, यानी स्टोरी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है। अ स्टोरी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज़ बीन यूज़ करना है, उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और मी का प्रयोग करना है। सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है, दे हैव बिल्ट अ हाउस, उन्होंने एक मकान बना दिया है। तो जैसे ही यहाँ पर अ हाउस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर पैसिव के अंदर सब्जेक्ट हो जाएगा, अ हाउस हैज़ बीन बिल्ट बाय देम, और दे का यहाँ पर देम हो जाएगा, एक मकान उनके द्वारा बनाया जा चुका है। थर्ड सेंटेंस देखिए, जो एक्टिव दिया हुआ है, He has broken my window. उसने मेरी खिड़की तोड़ दी है। तो यहाँ पर my window सबसे पहले यूज़ किया जाएगा, my window has been broken by him. मेरी खिड़की उसके द्वारा तोड़ी जा चुकी है। तो यहाँ पर he जो दिया हुआ है, he का यहाँ पर him हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो यूज़ किया गया है माय विंडो, उसके बाद हैज का प्रयोग किया गया, फिर बीन यूज़ किया गया, फिर ब्रोकन थर्ड फॉर्म और बाय हिम यूज़ किया गया है। अगला सेंटेंस देखिए, एक्टिव है और यहाँ पर नेगेटिव यूज़ किया गया है, आई हैव नॉट रिसीव्ड अ टेलीग्राम, इसका मतलब होता है मैंने टेलीग्राम प्राप्त नहीं किया है। तो जैसे ही अ टेलीग्राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो पहले अ टेलीग्राम यूज़ किया जाएगा, अ टेलीग्राम हैज़ नॉट बीन received by me, और subject I दिया हुआ था, तो यहाँ पर object जो use किया गया I का me हो गया, इसका मतलब होता है एक telegram मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। Next sentence है, she has not written a story, उसने एक story नहीं लिखी है। तो जैसे इसका passive बनाएंगे, सबसे पहले a story has not been written by her, तो यहाँ पर शी दिया हुआ था, तो शी का यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो हो गया है वो हो गया हर, यानी एक स्टोरी उसके द्वारा नहीं लिखी जा चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी हैज़ नॉट चीटेड एनीबॉडी, इसका मतलब होता है उसने किसी के साथ धोखा नहीं किया है। तो जैसे ही एनीबॉडी दिया हुआ है, इसका नेगेटिव होता है नोबडी, नोबडी हैज़ बीन चीटेड बाय हर, किसी को भी उसके द्वारा धोखा नहीं दिया गया है। तो जब भी अगर नोबडी यूज़ कर रहे हैं, तो नोबडी के बाद में आपको नेगेटिव यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नोबडी जो है वो अपने आप में एक नेगेटिव है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ किया गया है, हैज़ बीन, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, शी का यहाँ पर हर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, अगले सेंटेंस देखिए जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दिए हुए हैं इसके अंदर। तो पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है, हैव यू कैप्ट द सीक्रेट, क्या आपने कोई रहस्य रखा है। तो जैसे यहाँ पे द सीक्रेट है, तो द सीक्रेट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले हैज का प्रयोग करना है, हैज़ द सीक्रेट बीन कैप्ट बाय यू, क्या आपके द्वारा कोई सीक्रेट रखा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हु हैज़ डन दिस, यह किसने किया है। तो यहाँ पर हु दिया हुआ है, जब भी अगर आप सेंटेंस के अंदर हु देखते हैं, तो उसका जो पैसिव वॉइस यूज़ किया जाएगा, तो उसके अंदर आपको बाय होम का प्रयोग करना है, बाय होम हैज़ दिस बीन डन,
यानी किसके द्वारा यह किया जा चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस जो दिया हुआ है एक्टिव है, वाई हैव यू टोल्ड अ लाई, इसका मतलब होता है आपने झूठ क्यों बोला है। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाई जो दिया हुआ है वाई का वाई ही रहेगा, इसके साथ आपको बाय यूज़ नहीं करना है, बाय वाई यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा वाई हैज़ अ लाई बीन टोल्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस जो दिया हुआ है हु हैज़ टॉर्न माय बुक, किसने मेरी किताब फाड़ी है, तो यहाँ पर हु दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है बाय होम। बाय होम हैज़ माई बुक बीन टॉर्न, किसके द्वारा मेरी किताब फाड़ी जा चुकी है। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया है, ये सेंटेंस वापस से डबल यूज़ किया गया था। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है वो डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, हैव यू रिटन द लेटर, क्या आपने पत्र लिखा है। जैसे आप इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हैज़ द लेटर बीन रिटन बाई यू, क्या आपके द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है। तो ये यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग था, तो यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हैज़ द पुलिसमैन कॉट द थीफ, क्या पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा है। तो यहाँ पर चोर जो है वो सिंगुलर है, एक ही है, तो सबसे पहले आपको हैज़ यूज़ करना है। हैज़ द थीफ बीन कॉट बाय द पुलिसमैन, क्या पुलिसमैन के द्वारा चोर को पकड़ा जा चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस जो दिया हुआ है, हैज़ द पोस्टल डिपार्टमेंट रिलीज्ड अ न्यू स्टाम्प, क्या पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा नया स्टाम्प रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर पोस्टल डिपार्टमेंट सिंगुलर है और स्टाम्प भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर सबसे पहले हैज़ का प्रयोग करना है। हैज़ अ न्यू स्टाम्प बीन रिलीज्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट, क्या पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया स्टाम्प रिलीज किया जा चुका है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है एक्टिव से पैसिव। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको एक्टिव से पैसिव समझ में नहीं आया है तो कुछ दिनों बाद एक्टिव से पैसिव का एक और जो वीडियो बना दिया जाएगा वो वीडियो डिस्क्रिप्टिव होगा। तो इन वीडियो को आप एक बार नहीं, आप इनको वापस से रिपीट कीजिए, दोबारा इनको देखिए, और देखने के बाद खुद प्रैक्टिस कीजिए, और जो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आए उस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ।